Hello everyone, welcome to Neetport. In this video we will talk about the linkage. Linkage one of the most important topic of the genetics, जिसमें हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिंकेज के बारे में बात करेंगे. इसमें आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, और फिर टर्म लिंकेज और लिंकेज थ्योरी को किसने दिया था, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में. सो, ये कुछ बातें हैं जो हम लोग इनिशियल स्टेज में बात करेंगे लिंकेज के क्लास में, और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द लिंकेज. एक्चुअली द लिंकेज इज द एसोसिएशन ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने जीन्स होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या एसोसिएशन होता है, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन, या ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं उसके बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन या संबंध होता है उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लिंकेज है वो बेसिकली जितने भी जीन्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. सबसे पहले जो लिंकेज के बारे में देखा था, यानी फर्स्ट टाइम लिंकेज वॉज सीन बाय बैट्सन एंड पुनिट इन लथाइरस ओडोरेटस. लथाइरस ओडोरेटस को हम लोग स्वीट पी भी बोलते हैं. सबसे पहले जो देखा था लिंकेज को वो बैट्सन एंड पुनिट ने देखा था, लेकिन दे डिड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म और द फिनोमेना ऑफ द लिंकेज. सो दे डिड नॉट एक्सप्लेन द phenomena of linkage. इसने linkage के बारे में explain नहीं किया था. इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें तो sex linkage की बात आती है. So sex linkage was discovered by T.H. Morgan in Drosophila. Drosophila में T.H. Morgan ने सबसे पहले sex linkage के बारे में बताया था या discover किया था, और इन्होंने ही यानी Morgan gave the term linkage. टर्म दिया था और मॉर्गन ने ही प्रपोज्ड द लिंकेज थ्योरी. लिंकेज थ्योरी को बताने वाले ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिसने लिंकेज थ्योरी के बारे में बताया, यानी लिंकेज थ्योरी को सबसे पहले डिस्कस किया मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला. इसके अलावा कभी कभी या यूं कह लें कि एक पॉइंट ये आता है कि जो कलेक्टिव इनहेरिटेंस होता है किसी भी कैरेक्टर का वो ड्यू टू लिंकेज ही होता है. सो कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू लिंकेज. लिंकेज के कारण ही होता है. और यहाँ पे लिंकेज जो है, अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में लिंकेज को समझें,
और लिंकेज को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डायहैबिट केस में देखें तो दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी इन या ऐसे देखते हैं लिंकेज इन डायहाइब्रिड क्रॉस। इस केस में दो क्रोमोसोम है लेट से, जिसमें जीन जो है कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, कुछ इस टाइप से जीन्स प्रेजेंट है जो कि लिंकेज इन डायहाइब्रिड क्रॉस में दिखाता है या डायहाइब्रिड के केस में शो होता है। अब दूसरा कंडीशन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां जैसे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी जो कैरेक्टर्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री टू कंबाइन टू अनदर कैरेक्टर अनदर जीन। सो यहां पे जो हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप से जीन लोकेटेड होते हैं, ये कैपिटल ए एंड कैपिटल स्मॉल ए। इसी तरीके से जो जीन है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, मतलब यहाँ ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सेम क्रोमोसोम पे लोकेट है, जबकि स्मॉल ए स्मॉल बी या रिसेसिव जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इस केस में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कैपिटल ए डोमिनेंट जीन है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और जो रिसेसिव जीन है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरा जीन की बात करें या दूसरे जीन की बात करें तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इसीलिए इस केस में जो गैमेट्स बनेंगे वो दो गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी ओनली टू गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। जबकि हम लोग अगर यहाँ बात करें तो यहाँ जो कैपिटल ए है ये कंबाइन कर सकता है इसके साथ यानी कैपिटल बी के साथ, और फिर ये स्मॉल ए है इसके साथ कर सकता है, या यूं कह लीजिए कैपिटल ए कैन कंबाइन विद कैपिटल बी एंड कैपिटल ए इज फ्री टू कंबाइन विद स्मॉल बी, सो ए बी। इसी तरीके से सिचुएशन हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। सो यहाँ पे जो गैमिट के फॉर्मेशंस होते हैं वो फोर गैमिट्स ऑप्टेंड होते हैं, देयर आर फोर गैमिट्स विच आर ऑप्टेन। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम लिंकेज देखें तो वो कुछ इस टाइप से है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो फोर गैमेट्स कुछ इस टाइप से मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में, जिसको मॉर्गन ने बताया था या जिसको मॉर्गन ने दिया था। ओके, लिंकेज थ्योरी या थ्योरी ऑफ लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि मॉर्गन ने बताया था, इस थ्योरी के अनुसार या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड, जीन्स लोकेटेड ऐसे लिखे, जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स आर जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स लीनियरली, यानी एक रेखीय अवस्था में जीन्स जो है वो पाए जाते हैं, वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स गेट सेपरेटेड व्हेन एक्सचेंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब जो है वो जीन्स वो सेपरेट हो सकते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिंकेज के स्ट्रेंथ की बात करें. सो लिंकेज स्ट्रेंथ, अगर लिंकेज के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. यानी जीन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है या बढ़ता है तो उस केस में लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होगा वो घट जाएगा. यानी ये जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू कम ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी. इट मीन्स अगर हम इसको समराइज करें तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इंक्रीज होता है तो जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, और वाइस वर्सा. यानी डिस्टेंस अगर कम हो जाता है बिटवीन जीन्स, डिक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो निकाल सकते हैं. अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो जब डिस्टेंस घटता है तब जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि अभी हमने ये कहा, यानी जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, सो फर्स्ट इज डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो डिक्रीज हो जाएगा. दूसरी बात, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगा. तीसरी बात, अगर एज बढ़ती है, यानी एज जो है इंक्रीज हो रहा है तो भी क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा बात करें सेक्स की, अगर मेल है तो भी क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट होता है. क्रॉसिंग ओवर मेल ड्रोसोफिला में बिल्कुल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिक्रीज अवस्था में दिखाई देता है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर सम हाउ अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि जो जीन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम पे जाते हैं, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द लिंकेज. Here we discuss about the theory of the linkage and the factors which are responsible for the disturbing or affecting the crossing over. In the next video, we will discuss about the types of linkage as well as the different parts of the linkage.